क्या ईवीएम के जरिए आपके वोट की चोरी हो सकती है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना ज्यादा बेहतर है? ये वो सवाल हैं जो चुनाव आते ही अक्सर आपके दिमाग में भी जरूर उठने लगते होंगे। इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाबों के साथ साथ आपको बताएंगे वो 10 कारण जिन्हें जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि देश में चुनाव ईवीएम की जगह कागज की पर्ची यानी बैलेट पेपर पर ही होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। ये वीडियो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल के एक लेख पर आधारित है, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन दिनों ईवीएम कहीं गधे पर टंगी मिल रही है तो कहीं किसी पार्टी के नेता की गाड़ी में, कहीं सिर्फ 90 मतदाताओं वाले गाँव में 181 वोट पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि ईवीएम को लू भी लग जाती है, लेकिन दावा किया जाता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो आइए पेश है आपके सामने ईवीएम पर भरोसा ना करने की पहली वजह। ईवीएम पारदर्शी नहीं है। पेपर बैलेट में वोट डालने वाले को नजर आता है कि उसने किस निशान पर मुहर लगाई। मुहर लगाने के बाद वो बैलेट पेपर को मोड़कर सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि के सामने उसे बैलेट बॉक्स में डालता है। जबकि ईवीएम में मतदाता को ये पता नहीं चल पाता कि उसने जिस निशान पर बटन दबाया है वोट उसे ही गया है। इसी कमी को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीन लगाई गई है, जिसे कागज की एक पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख भी सकता है। ये पर्चियां जमा होती हैं, हालांकि कागज की पर्ची और निशान में दर्ज वोट समान है इसकी कोई गारंटी नहीं हो पाती, इसलिए विवाद की स्थिति में इन पर्चियों को गिनने का प्रावधान है। अभी तक का अनुभव है कि कागज की पर्चियों की गिनती आम तौर पर नहीं होती, और कहीं होती भी है तो सारे वीवीपैट नहीं गिने जाते, बल्कि एक सैंपलिंग के तौर पर कुछ वीवीपैट की गिनती होती है, उसे मिलाया जाता है। यानी ये प्रक्रिया 100% पारदर्शी नहीं है। ईवीएम में दोबारा मतगणना संभव नहीं है। दूसरा कारण ये है कि ईवीएम में दोबारा मतगणना संभव नहीं है। ईवीएम में डाला गया वोट डिजिटल फॉर्म में मशीन में जाकर एक संख्या यानी एक नंबर में तब्दील हो जाता है, इसलिए पेपर बैलेट की तरह हर वोट को दोबारा नहीं गिना जा सकता। दोबारा गिनने के नाम पर तमाम ईवीएम में दर्ज कुल संख्या को ही जोड़ा जा सकता है, जबकि बैलेट पेपर के वोटों को जितनी बार चाहे गिना जा सकता है, लेकिन ईवीएम एक वोट को सिर्फ एक नंबर मानती है और नतीजों के तौर पर कुल नंबर ही बता पाती है। तीसरी वजह यह है कि आधुनिक लोकतंत्र ईवीएम से राष्ट्रीय स्तर का मतदान नहीं कराते। ईवीएम से मतदान की टेक्नोलॉजी काफी समय से उपलब्ध है, लेकिन अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान तक किसी भी देश में नेशनल इलेक्शन ईवीएम से नहीं होता। कुछ देशों ने प्रयोग करने के बाद ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया। मिसाल के तौर पर जर्मनी ने ईवीएम से चुनाव कराने की पहल की, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव न कराने के पक्ष में फैसला दिया। अब जर्मनी भी पेपर बैलेट से ही चुनाव कराता है। नीदरलैंड में जनता के विरोध के बाद 2007 से वहां चुनाव पेपर बैलेट पर होने लगे हैं। आयरलैंड और इटली ने इसका प्रयोग करने के बाद इन पर रोक लगा दी है। ज्यादातर देशों ने इनका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ईवीएम से राष्ट्रीय स्तर का मतदान भारत के अलावा सिर्फ ब्राजील, वेनेजुएला और भूटान में होता है, और वहां भी ये विवादों में रहता है। चौथी वजह यह है कि जिन देशों से ये टेक्नोलॉजी आई है वे भी पेपर बैलेट पर ही भरोसा करते हैं। माइक्रोचिप की टेक्नोलॉजी जिन देशों में विकसित हुई और जिन देशों में इसका निर्माण होता है, वे देश भी पेपर बैलेट से ही मतदान करके राष्ट्रीय चुनाव करते हैं। इसलिए इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि पेपर बैलेट की तुलना में ईवीएम ज्यादा विकसित टेक्नोलॉजी है, और पेपर बैलेट पर लौटने का मतलब है पुरानी टेक्नोलॉजी को फिर से अपनाना। पांचवी वजह यह है कि जो मशीन ठीक की जा सकती है उसे खराब भी किया जा सकता है। मतदान के लिए भेजी गई कोई ईवीएम खराब हो जाती है तो उसे टेक्नीशियन ठीक करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि किसी मशीन को खराब भी किया जा सकता है। मुमकिन है कि ऐसा न होता हो, लेकिन इसकी आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे भी इन मशीनों में लगातार सुधार हो रहा है। 2006 से पहले भारत में M1 मशीनें इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब M3 मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये कहना कि मशीन में कोई कमी नहीं है अपने आप में अवैज्ञानिक तर्क है। छठी वजह यह है कि लगभग सभी प्रमुख दल कभी न कभी ईवीएम को अविश्वसनीय बता चुके हैं। ईवीएम पर सबसे पहला एतराज बीजेपी ने जताया था।
साल 2009 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने इसके खिलाफ बाकायदा अभियान चलाया था। तब बीजेपी से जुड़े जीवीएल नरसिंह राव ने बाकायदा ईवीएम के खिलाफ एक किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन वी ट्रस्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम से किताब भी लिखी थी और बताया था कि किस तरह ईवीएम के कारण लोकतंत्र खतरे में है। उसी समय सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मौजूदा दौर में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत करीब 17 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को लिखकर दिया है कि ईवीएम की जगह पेपर बैलेट से मतदान कराया जाए। यानी भारतीय राजनीति में सक्रिय लगभग हर दल कभी न कभी ईवीएम पर सवाल उठा चुका है। सातवीं वजह यह है कि ईवीएम पेपर बैलेट की किसी भी कमी का जवाब नहीं है। मतदाता को लालच देने या धमकाने का मामला हो, या उसे वोट तक न जाने देने की शिकायत हो, या किसी और मतदाता का वोट डाल देना यानी बोगस मतदान, या फिर जबरन किसी बूथ पर कब्जा करके एक पार्टी के पक्ष में वोट डाल देना या चुनावी हिंसा, इनमें से किसी भी समस्या का समाधान ईवीएम में नहीं है। ये सभी चुनावी कदाचार जैसे पेपर बैलेट के समय होते थे, वे ईवीएम के समय भी होते हैं या हो सकते हैं। दूसरा, मौजूदा दौर में भारत के पास दुनिया की चौथे नंबर की सबसे ताकतवर बड़ी आर्मी है, साथ ही दर्जनों तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और पुलिस है। क्या इतना सब होने के बाद भी हमारा देश एक बूथ पर सुरक्षित मतदान तक नहीं करा सकता? आठवीं वजह यह है कि ईवीएम से चुनाव का समय नहीं बचता। ईवीएम के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क तो यही दिया जाता है कि ईवीएम से समय की बचत होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 5 राज्यों के मौजूदा विधानसभा चुनाव है। इन चुनावों की घोषणा से लेकर चुनाव नतीजों के बीच करीब 66 दिनों का समय लग रहा है, जबकि 1984 का लोकसभा चुनाव पेपर बैलेट पर हुआ और पूरे देश का चुनाव महज 24 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच यानी महज 4 दिन में ही निपट गया था और देश में नई सरकार बन गई थी। वहीं 1989 के लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से हुए और मतदान 22 से 26 नवंबर के बीच यानी महज 5 दिन में पूरा हो गया। ये सब तब हुआ जब देश की सड़कें पहले से ज्यादा खराब थी और एक जगह से दूसरी जगह जाना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब सड़कें ज्यादा बेहतर हैं और आने जाने के तमाम साधन भी उपलब्ध हैं। ईवीएम से गिनती का समय जरूर बचता है, लेकिन 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 10 नवंबर को ईवीएम से आधी रात तक भी नतीजे नहीं आए थे। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई थी, लेकिन ईवीएम से नतीजे नहीं आ पा रहे थे। दूसरा तर्क ये है कि 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव में अगर वोटों की गिनती में 1 या 2 दिन का समय लग भी जाए तो क्या दिक्कत है? एक मजबूत लोकतंत्र में क्या वोट गिनने के लिए 2 दिन का समय भी नहीं दिया जा सकता? वैसे भी क्या भारतीयों के पास समय की कोई कमी है? ईवीएम के बारे में ये दावा है कि इसे किसी भी बाहरी मशीन से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हो सकता है कि कोई भी आदमी ऐसा न कर पाया हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कहना विज्ञान की भाषा नहीं है। दरअसल ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, यानी इसे चलाने के लिए इंटरनेट जैसे बाहरी कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, और इसी आधार पर चुनाव आयोग का दावा है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग यहाँ हैकिंग और टेम्परिंग में फर्क नहीं बताता। हैकिंग का मतलब है कि बाहर से किसी डिवाइस को कंट्रोल करना और अपने हिसाब से उसे चलाना, जबकि टेम्परिंग का मतलब है उस मशीन के अंदर ही कुछ ऐसे बदलाव कर देना जिससे नतीजे आपके मन मुताबिक आएं। यानी ईवीएम मशीन को अगर हैक भी नहीं किया जा सकता तो इस बात की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें दर्ज जानकारी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। चुनाव आयोग कहता है कि बिना मशीन खोले इसमें छेड़खानी करके दिखाएं, यानी मशीन को हैक करके दिखाओ, लेकिन असल खेल हैकिंग में नहीं बल्कि टेम्परिंग में छुपा हो सकता है। वैसे भी इस मशीन में लगी माइक्रोचिप की प्रोग्रामिंग में इंसानी दखल ही तो होता है। कोई आदमी ही मशीन में ये जानकारी डालता है कि किसी चुनाव क्षेत्र में कितने उम्मीदवार हैं और किसका चुनाव चिन्ह कौन सा है। हो सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती हो, लेकिन इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। दसवीं और सबसे बड़ी वजह यह है कि बैलेट पेपर लोकतंत्र में भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी है।
लगभग सभी राजनीतिक दल ईवीएम को किसी न किसी दौर में अविश्वसनीय बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए वीवीपैट जोड़ने की बात कही थी। ईवीएम के खिलाफ राजनीतिक दल बयान दे रहे हैं और ये सभी हारे हुए दल नहीं हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस कई बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन वो फिर भी ईवीएम के खिलाफ हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और ईवीएम के खिलाफ है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चुनाव जीता, लेकिन वो चाहते हैं कि चुनाव पेपर बैलेट से ही हो। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी के अध्यक्ष मायावती भी बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। ऐसे और भी दल हैं, इसलिए इन तमाम वजहों से लोगों के मन में ईवीएम को लेकर आशंका बढ़ी है। अगर एक भी मतदाता को ये शक हो गया कि वह जिस निशान पर बटन दबा रहा है वहां उसका वोट शायद नहीं जा रहा, तो ये अपने आप में पर्याप्त कारण है जिसके लिए देश को पेपर बैलेट से मतदान कराए जाने पर लौट जाना चाहिए। इसे लेकर जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेपर बैलेट से मतदान कराने में किसी की हार नहीं है, इसमें लोकतंत्र की जीत है। भारतीय लोकतंत्र पर नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। संसद को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस बहस से दूर रहना चाहिए और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदान कराने का अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना सबसे जरूरी है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। फिलहाल मुझे यानी सुमित चौहान और मेरी सहयोगी अजरा परवीन को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में मिलते हैं।